Good evening to all of you. Very good evening to all of you. Good evening, sir. Okay, so we are starting today with a new chapter. The name of the chapter is Mechanical Properties of Solids. अभी लोग एंट्री मार रहे हैं धीरे धीरे. वेलकम कोनिन कुरैशी. वी वेलकम यू. ओके. हेलो. सो स्टिल यू नो स्टिल टू ज्वाइन. क्या हुआ? हुसैन दागिना है कम, भरगेश है कम, अफीफ, कोनिन वापस गायब. ओके. यू आर देयर. ओके, सो we are studying with this chapter, Mechanical Properties of Solids. Very easy chapter, very interesting chapter. Best part of it has no connection with the other chapter which we have done so far. Bilkul connection nahi hai, independent. So, every one of you, including Konin Qureshi, will understand. Afif, sahi hai, dekh ke dikh rahe hain sab log. Okay. Chat hata hai. ओके, सो वी आर स्टडिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. इसमें है ना, देखो हम लोग बचपन में सोचते थे कुछ बातें, जैसे सुनो ध्यान से, ये सपोज एक सॉलिड फ्लोर है, इसके ऊपर एक हम टेनिस की बॉल डालते हैं, टेनिस की बॉल डालते हैं तो टेनिस की बॉल टकराती है और रिबाउंड होकर ऊपर तक आती है, थोड़े हाइट तक आती है, मतलब 10 मीटर से ज्यादा तो 8 मीटर तक जाती है. सपोज मड का पीस डाला है यहाँ पे, मड का पीस डाला तो मड का पीस यहाँ पे चिटक जाता है और ये ऊपर उछल के नहीं आता है. ऐसा होता है ना, कॉमन सेंस से देखा है ना सबने, टेनिस बॉल को रिबाउंड होते हुए देखा है, मड कभी रिबाउंड नहीं होता. तो ये सब चैप्टर, इस चैप्टर में ऐसी सब बातें, क्या प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की, क्या है, व्हाट आर इलास्टिक बॉडी, व्हाट आर प्लास्टिक बॉडी, क्या है, वो सब हम लोग समझेंगे. बहुत मजेदार चैप्टर है, थोड़ा थियोरिटिकल ज्यादा है, बट आई एम श्योर यू विल एंजॉय द चैप्टर. ऑलराइट, तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. I am going to ask, whatever I speak, I am going to ask. All bodies, whether solid or liquid. All bodies, whether solid or liquid. मैं जैसे बोलूंगा अनम्यूट करना और बोलना, जिसका नाम लूंगा अनम्यूट करेगा और तुरंत बोलेगा. All bodies, whether solid or liquid, undergo a change in shape. Or size, or both, depending on their nature. मतलब strong body होगी, strong body के अंदर change in shape size कम होगा, और weak body के अंदर change in shape size ज्यादा होगा. Depending on their nature, when external forces are applied on them. Remember, the change in shape or size or both is called deformation. The applied force is called deforming force. जो force apply कर दे ना, उसको बोलते हैं deforming force. इतना मैं वापस से repeat करता हूँ. देखो जानते हैं. All bodies, whether solid or liquid, undergo a change in shape or size or both, depending on their nature. मतलब strong body होगी तो change in shape size कम होगा, weak body होगी तो change in shape size ज्यादा होगा, when external forces are applied to them. Okay, the change in shape or size or both is called deformation, and the applied force is called deforming force. Is this clear? Is this much clear or not? खाली हाँ या ना में बोलो. Yes, sir. ओके, ये लाइन बोलो भरगेश. ऑल बॉडीज वेदर, इतना बोलो, ऑल बॉडीज वेदर सॉलिड और लिक्विड
undergo a change in shape or size or both? Bas, depending on their nature. Depending on their nature. Hussein, aage bolo. When? When external forces are applied on them. Okay. Conan, ye kya hai deformation? The change in? The change in shape or size is called deformation. That is right. And Jitu? The force applied. The force applied is called deforming force. Very good. इतना समझ में आया? अब सुनो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात. अब इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं. अब सपोज देयर इज अ बॉडी, देयर इज अ बॉडी, इसको लेट अस से टेनिस बॉल, इसको जब फेंकते हैं तो यू नो स्मॉल पार्ट ऑफ इट गेट डिफॉर्म, थोड़ा फ्लैट हो जाता है व्हेन इट इज कट कर, लेकिन जैसे ही रिबाउंड होती है वापस से और अगर मड फेंकू तो मड यहाँ पे चिपक जाते हैं. कौन सी बॉडी रीगेन कर सकती है इट्स शेप और साइज और बोथ? टेनिस बॉल और मड रीगेन कौन सी करती है? टेनिस बॉल. टेनिस बॉल. तो रिमेम्बर अभी देर आर टू बॉडीज आई वॉन्ट डिस्क्राइब, वन इज इलास्टिक बॉडी एंड द अदर इज प्लास्टिक बॉडी. आपको क्या लगता है कौन सी बॉडी इलास्टिक होगी और कौन सी प्लास्टिक होगी? ये दोनों में इलास्टिक बॉडी कौन सी है? Tennis ball or mud? Tennis ball. Or what about mud? Plastic अपना वो plastic बाल्टी वाला नहीं है, ये property है ये. So mud will be called as which body? Plastic body. Plastic. All right. Now anybody can tell me what must be elastic bodies? What must be elastic bodies? क्या लगता है आपको? If a body. The original shape. That is right. That is right. Very good. If a body regains its original dimensions. If a body regains its original dimension on the removal of deforming forces, then it is called elastic body. If a body does not regain or body retains its altered dimension, even when the deforming forces are removed, is called plastic body. Very simple it is. If a body regains completely its original dimensions on the removal of deforming forces, it is said to be elastic, and the property is called elasticity. Property is called elasticity. If a body retains completely its altered dimensions even when the deforming forces are removed, then the body is called plastic body, and the property is called plasticity. Property is called plasticity. I hope that's clear. Anybody who can tell me? Maz? Yes, sir. Elastic body kya hoti hai? Sir, if a body regains its original shape and size after removal of the deforming force. Very nice. Bahut acha answer. Om Mistri, bhag mat jana. Plastic body kya hoti hai? Om Mistri? Hey, Om ka kuch ajeeb phanda hai. Samajh hi nahi aata hai. Afif, what is plastic body? A body which cannot regain its shape after the deforming forces are removed is called a plastic body. That is right. We'll write down this much. Title likho introduction. Title likho introduction. Isme likho. All bodies, whether solid or liquid. Undergo a change in shape or size or both. Undergo a change in shape or size or both. Depending upon their nature. When external forces are applied on them. Sir, after depending.
depending upon their nature. When external forces are applied on them. Full stop. The change in shape or size or both. Is called deformation. The change in shape or size or both is called deformation. And the applied force is called deforming force. Applied force is called deforming force. फिर उसके बाद next line में लिखो. If a body regains completely, its original dimensions. On the removal of deforming forces, comma, it is said to be what? Kya likhoge? It is said to be elastic. That is right. It is said to be elastic. And the property is called elasticity. अब इसके एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल मैंने बताया नहीं आपको. Anybody can tell me example क्या है? There is no. Let me tell you one thing. Remember one thing. There is no body in the world which is elastic. है ही नहीं. कोई body ऐसी है ही नहीं. कितना भी force लगा उसको change in dimension हो गया और body हटाओगे तो वापस से original dimension आ जाएगी. But yes, there are bodies which are more elastic than there are bodies which are more copper, iron, gold, silver, all these are elastic bodies. And you know, wet mud, chewing gum, cluster of Paris, putty जो होते हैं ना कलर वाले यूज करते हैं putty, all these are which bodies? Plastic. These are plastic bodies. Let me tell you, अभी ये भी क्या इलेक्ट्रिक थोड़ी है. सपोज आयरन का एक सिलेंडर लू मैं, आयरन का एक सिलेंडर लिया मैंने, सपोज लोखंड का एक सिलेंडर और एक मैंने वेट मड का सिलेंडर बनाया. जैसे जैसे करके बड़ी मुश्किल से बनाया मैंने वेट मड का सिलेंडर. अभी दोनों के कंपेयर में देगी दिस विल बी इलास्टिक, क्योंकि इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा और इसके ऊपर फोर्स थोड़ा भी फोर्स अप्लाई करूंगा तो डूम ऐसा हो जाएगा. इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो डिफॉर्मेशन जो होंगे वो तो पहले तो दिखाई नहीं देंगे और होंगे तो इतने छोटे होंगे और जब फोर्स हटाते होंगे तो वापस आ जाते होंगे. बट ये कंप्लीटली इलास्टिक नहीं है. इसके ऊपर मैं हथौड़े जबरदस्त मोटे मोटे हथौड़े मारूंगा तो धीरे धीरे भी बेंड हो जाएगा. तो इलास्टिक बॉडीज आर बॉडीज विच आर मोर इलास्टिक. Plastic bodies are bodies which are more plastic, but there is no perfectly elastic body exist in the world. इसलिए example लिखो. Copper, iron, gold, silver, etc. और फिर लिखो next line में लिखो if a body
रिटेन्स ये संभाल के रखती है, रिटेन्स बॉडी, रिटेन्स इट्स ऑल्टर्ड डायमेंशंस, ऑल्टर्ड यानी चेंज डायमेंशन. इफ अ बॉडी रिटेन्स इट्स ऑल्टर्ड डायमेंशन इवन ऑन द रिमूवल ऑफ, इवन ऑन द रिमूवल ऑफ, even on the removal of deforming forces, deforming forces, comma, it is said to be plastic, comma, it is said to be plastic, and the property is called, kya likhoge property ke paas, and the property is called, kya likhoge प्लास्टिसिटी, प्रॉपर्टी कॉल्ड प्लास्टिसिटी, उसमें लिखा था ना प्रॉपर्टी कॉल्ड इलास्टिसिटी ऊपर. यस सर. हाँ, एग्जाम्पल वेट मड, च्विंगम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पुट्टी, वैक्स एक्सेट्रा. Wet mud, chewing gum, plaster of Paris, putty, wax, etc. All right. इसके बाद में लिखो टाइटल, लिखो डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी. डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी, डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें लिखो the property by virtue of which, the property by virtue of which a body regains, property by virtue of which means because of which, property by virtue of which a body regains its original dimensions, regains its original dimensions as soon as, what sir, the property by virtue of which, virtue, vir, virtue, the property by virtue of which a body regains, a body regains its original dimensions, its original dimensions as soon as the, as soon as the, as soon as the deforming forces are removed, as soon as the deforming forces are removed is called, is called elasticity. It's called elasticity. लिखा आपने, लिखा आपने बेटा, फिर लिखो इसके बाद लिखो definition of plasticity. उसमें लिखो the property by virtue of which, the property by virtue of which a body retains, retains its altered dimensions, retains its altered dimensions even on the removal of, even on the removal of deforming forces, even on the removal of deforming force is called plasticity, is called plasticity.
फिर है ना सुनो, अपने नोट्स में, अपने जो नोट्स दिए ना इसमें देयर इज अ क्वेश्चन, वो लिख डालो, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी. डिस्टिंग्विश बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, उसके दो पॉइंट है. पेज नंबर मेरा डिफर होगा, ये देखो ऐसा है. कैन यू सी डिस्टिंग्विश बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी? ये इधर से कॉपी मार लेना नोट्स में. ठीक है बेटा, समझ में आया सभी को? बच्चे लोग, बच्चे लोग. यस सर. ओके, इसके बाद में लिखो, एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है, वो अननेसेसरी. कैन यू रिपीट दैट द प्रॉपर्टी बाय व्हाट यू? कौन सा, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी कौन सा? सर नहीं, वो जो प्रॉपर्टी था ना, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशन एज soon as the deformed bones are removed, called, it's called elasticity. It's called elasticity. Ho gaya? Yes. Likha? Or fir jagat distinguish between elasticity and plasticity, notes mein se copy kar lena. Okay, ab main batata hu, likhne ki zarurat nahi hai isko. खाली व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स वो समझ लो क्या होता है. व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स? सुनो, जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड जैसे क्यूब है, क्यूब इज अ सॉलिड, लेट अस से लोखंड का क्यूब है. एक्चुअली यू नो इसमें एटम्स जो रहते हैं ना, एटम्स आर वेरी क्लोजली बैक, लेकिन मैं दूर दूर दिखा रहा हूँ, और उसके बीच में यू नो स्प्रिंग एक्शन रहती है, हर एक दो एटम के बीच में स्प्रिंग, ऐसी स्प्रिंग एक्शन रहती है. अब है ना, आपने स्प्रिंग की प्रॉपर्टी देखी होगी, स्प्रिंग को खींचो, खींचो समझो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाती है, जैसे ही छोड़ते वापस से वो आ जाती है अपने ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन में, क्योंकि अंडर रीस्टोरिंग फोर्स रहता है, वो बोलता है मेरे को मत खींचो मत खींचो, और जैसे तो वापस से, और अगर उसको दबाते तो भी वो अंदर से रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करती है, जैसे ही फोर्स हटाते हैं वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है. तो जो अंदर के फोर्स रहते हैं उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं. तो जब हम ऐसे इसको दबाया दोनों बाजू से, तो ये स्प्रिंग दब जाती है, एटम पास में आते हैं, तो उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो बोलते हैं जब ये लोग हटेंगे तो हम लोग वापस से इधर आ जाएंगे. तो ये होता है, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. जैसे अगर इसको खींचा होता, इसको दोनों साइड से खींचा होता, तो क्या होता है, ये इंटरटॉमिक स्पेसिंग बढ़ गया होता. लेकिन अंदर स्प्रिंग की इच्छा क्या रहती है, स्प्रिंग की इच्छा रहती है जब ये हटेगा तो वापस से रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ओरिजिनल पोजिशन में ले आएगा. So basically, restoring forces are those forces which are in the body which oppose the deforming force, which oppose the deforming force and tries to bring the body back to its original dimension. जैसे आपको सबसे best example लेता हूँ, ये वायर सब जो लटकाया मैंने सीलिंग से, सीलिंग से एक वायर है, लोखंड का वायर लटकाया, यहाँ पे मैंने एक लोड लगाया, लोड जो ये अप्लाइड फोर्स है, that is called deforming force. इसको क्या बोलते हैं, deforming force. लेकिन वायर अपोज करता है इसको, इसको बोलता है नहीं मेरे को नहीं, और अंदर फोर्स डेवलप करता है, इसीलिए वायर टूटता नहीं है, इसीलिए वायर टूटता नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक फोर्स रहता है विच इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स. जनरली डीफॉर्मिंग फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स आर इक्वल, दे आर इक्वल. अच्छा मुझे बताओ, अगर डीफॉर्मिंग फोर्स इज मोर देन रीस्टोरिंग फोर्स, व्हाट विल हैपन? एनीवन? ये अगर ज्यादा होगा इससे, ये Sir, the body will not come to its original shape and size. Yeah, that is right. और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? और ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो वायर टूट जाएगा, वायर टूट जाएगा. पहले तो ओरिजिनल शेप साइज, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, एंड देन धीरे धीरे अगर बहुत बढ़ते जाएंगे तो टूट जाएगा आखिर. जनरली इन दिस चैप्टर, एंटायर चैप्टर, वी आर गोइंग टू डील विद द सिचुएशन वेयर रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डीफॉर्मिंग फोर्स. हमारे पास ऐसा केस ही नहीं आएगा जब deforming force will be more than restoring force. All right, ये कभी नहीं होगा. All right, तो ये ध्यान में रखना. Okay, इसके बाद खाली restoring force का इतना जानना कि opposing force to deforming force which is produced in the body is called restoring force. अच्छा एक बात बताएगा मुझे, मैंने कभी पूछा नहीं, आज first time पूछ रहा हूँ. Plastic body और इलास्टिक बॉडी में एक और डिफरेंस रीस्टोरिंग फोर्स के क्या होगा? एनीवन कैन टेल मी?
प्लास्टिक बॉडी और इलास्टिक बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स से एक पॉइंट बनता है डिस्टिंग्विश का. Anyone? The plastic body does not have a restoring force. That is right. Lovely answer, Afif. I love it. क्या होता है मालूम है? Elastic body. ये समझो elastic मेरे वायर elastic है ना ये समझो ये elastic है. ये cylinder. ये लोखंड का cylinder. ये deforming force. तो ये एक्चुअल develop restoring force. और इसको oppose करते हैं. लेकिन just imagine wet mud का cylinder. और क्ले का सिलेंडर क्ले गीली मिट्टी का जैसे जैसे बनाया अपन ने सिलेंडर इसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे बट इट कैन नॉट डेवलप विच फोर्स इट कैन नॉट डेवलप विच फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स इट कैन नॉट डेवलप रीस्टोरिंग फोर्स. ये ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलास्टिक बॉडी can develop restoring force. Plastic bodies do not develop restoring force. इसके बाद में एक बहुत important part आ रहा है. इसके बाद लिखो define stress. Define stress. हम लोग बोलते हैं ना बहुत स्ट्रेस है आजकल यार क्या स्ट्रेस है स्ट्रेस क्या है तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिक्स में स्ट्रेस क्या होता है. देखो ये सपोज एक वायर है वायर को मैं अगर माइक्रोस्कोप में देखो ना बहुत बड़ा ऐसा दिखाई देगा वायर लेट अस से आर रेडियस ये वायर है इसको एक सीलिंग से लटका दिया है राइट यहां पे एक फोर्स अप्लाई किया इस फोर्स का नाम क्या होगा बोला इस फोर्स का नाम क्या होगा डीफॉर्मिंग फोर्स लवली और यहाँ पे जो अंदर डेवलप होगा उस फोर्स का नाम क्या होगा रिस्टोरिंग फोर्स. अबे ना मैं बता हूँ स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. आई वांट टू नो रिस्टोरिंग फोर्स और डीफॉर्मिंग फोर्स कौन सा लिखूं कि कुछ कोई भी लिखो चलेगा व्हाट विल बी बेटर व्हाट डू यू थिंक फोर्स डीफॉर्मिंग फोर्स और कोई दूसरा आंसर ये नॉट डी बॉडी के अंदर कौन सा फोर्स है डीफॉर्मिंग है रिस्टोरिंग है रिस्टोरिंग स्ट्रेस वी वांट इन द बॉडी इन द वायर तो व्हाट इज द फोर्स इन द वायर रिस्टोरिंग फोर्स और यू नो एरिया के अंदर एरिया ओवर विच डीफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड मतलब स्ट्रेस की डेफिनेशन में दोनों वर्ड आ जाते हैं रीस्टोरिंग फोर्स भी आता है और डीफॉर्मिंग फोर्स भी आता है तो सुनो स्ट्रेस द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ओवर विच डीफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड स्ट्रेस. क्या द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ओवर विच डीफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड स्ट्रेस. इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर द restoring force per unit area of the surface over which deforming force is applied is called stress. Conan, इसको बोलो repeat करो. The restoring force per unit area over which deforming force is applied is called stress. That's lovely answer. Very good, Conan. Very good. ओके अब मुझे बताओ व्हाट इज यूनिट ऑफ इट ऐसा यूनिट क्या होगा एनीबॉडी ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट्स राइट एंड व्हाट अबाउट सीजीएस यूनिट सर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दैट्स लवली आंसर वेरी गुड आंसर. अबे ना प्रेशर का भी यूनिट देखो न्यूटन पर फोर्स अपॉन एरिया होता है तो प्रेशर अपनी जगह बात है और ये अपनी जगह बात है तो अभी हम लोग स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखते हैं लिखो ऐसा लिखो द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ओवर विच deforming force is applied
over which deforming force is applied is called stress. Is called stress. Per unit interim, SI unit, TGS unit. You can form meter square, dying per centimeter square. Conan, you have given very good answer. अब तुम आओ या ना तो बाकी लोग भी जरा आंसर देंगे अपने यहाँ पे बोल अब यहाँ पे कोई बोलता ही नहीं है जनरली कीप क्वाइट यू कीप स्पीकिंग मोर मोर एंड मोर तो अदर्स विल बी प्रॉम्प्टेड लाइक यू ओके या ओके ओके ये हो गया इसके बाद में लिखो स्ट्रेन टाइटल लिखो डिफाइन स्ट्रेन Define strain. Arey, Om Mistry, are you there? Khali yes or no bol. Om Mistry, are you there? Om Mistry, ये दिखता है बोल ये दिखता है लेकिन कभी हाँ ना भी नहीं बोलता है आदमी. आदमी क्या बच्चा? Okay, strain. इसका पता लगाना actually करता क्या है? ये मेरे ख्याल से zoom चालू करके सो जाते हैं एकदम मस्त देखो ये बहुत इजी है सपोज मैं ना वायर की बात करता हूँ ये वायर की ओरिजिनल लेंथ एल थी फिर हमने सर ओम का सर नेटवर्क इशू हो रहा है उसने सर मैसेज किया मुझे नेटवर्क ये मेरी मेरी आवाज जा रही है उसके पास हाँ सर उसने अभी मैसेज किया है कि सर को बोलो कि नेटवर्क इशू हो रहा है अरे क्या नेटवर्क इशू हो रहा है यार आवाज नहीं आती क्या चलो ठीक है अभी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया हमने और यू नो वी आर अप्लाइंग नॉट वेरी लार्ज डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब वो इलास्टिक लिमिट है वैसे और सपोज छोटा एल इज द इंक्रीज टेंपरेरी इंक्रीज इन लेंथ यू नो इट विल डिसअपीयर व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स विल बी रिमूव्ड ये है ना एल टेंपरेरी इंक्रीज इन लेंथ और टेंपरेरी चेंज इन डायमेंशन क्यों ये कब तक रहेगा जब तक डिफॉर्मिंग फोर्स रहेगा क्योंकि ये बॉडी कौन सी बॉडी है वायर कौन सी बॉडी है एनीवन इलास्टिक इलास्टिक बॉडी हाँ इसलिए क्या होगा जब तक फोर्स है तब तक डिफॉर्मेशन रहेगी फोर्स हटा दे डिफॉर्मेशन चली जाएगी तो एल इज द इंक्रीज इन लेंथ तो रिमेंबर स्ट्रेन इज नथिंग बट छोटा एल अपॉन मोटा एल एनीबॉडी कैन टेल मी ये लेंथ मत बोलना इसको दिस इज द डायमेंशन दिस इज ऑल्सो अ डायमेंशन डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट और डायमेंशन तो यहाँ पे क्या होगा मालूम है ऊपर आएगा चेंज इन डायमेंशन और नीचे आएगा ओरिजिनल डायमेंशन बस ये डेफिनेशन हो गई ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन खलास ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन प्रिशा बोलो जरा व्हाट इज ट्रेन प्रिशा प्रिशा तो नहीं बोल रही है ओके हुसैन स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन दैट इज राइट राइट डाउन यू कैन राइट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ Change in dimension to the original dimension. Change in dimension to the original dimension. Okay, what will be unit meter or centimeter? Sir, no unit. That is right. No units. You can write down because it is ratio of same quantities. ऐसे लिख डालो खाली. It has no units. The strain has no units. Train has no units. Okay, इसके बाद क्वेश्चन लिखो What are different types of strain? What are different types of strain?
क्वेश्चन लिखा व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. अब है ना स्ट्रेन क्या है बेसिकली, यस हु विल टेल मी. जीतू स्ट्रेन क्या है, जीतू स्ट्रेन क्या है. सो स्ट्रेन इज सो चेंज इन डायमेंशन या टू द ओरिजिनल डायमेंशन. दैट इज राइट. अब है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के लिए डिफरेंट डायमेंशन लिए. What are different dimension, you know? सुनो आराम से सुनो. Three dimensions लिए. पहला dimension लिया length, जो कि अभी अभी मैंने बताया था. दूसरा dimension लिया volume. और तीसरा dimension है shape. ये तीन dimension के ऊपर तीन strain बनाए. पहला strain है length के ऊपर, which is nothing but tensile or longitudinal strain. और इसका फॉर्मूला है इक्वल टू छोटा एल अपॉन मोटा एल. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट मस्ट बी डेफिनेशन ऑफ दिस स्ट्रेन लेंथ के ऊपर. बोलो क्या होगा इसकी डेफिनेशन क्या होगी सर. रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ. दैट्स राइट. बस खत्म. तो पहले हम लोग इतना लिखते हैं. ऐसा लिखो वी कम अक्रॉस थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. आंसर में लिखो वी कम अक्रॉस थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. लिखा फिर नंबर वन लिखो टेंसाइल और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. फिर मैं बोलूंगा वैसे लिखना है टेंसाइल और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. लिखा आपने उसको अंडरलाइन करो टेंसाइल और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को. और बाद में लिखो द स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन. और फिर लिखो टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू छोटा एल अपॉन मोटा एल. और फिर लिखो डेफिनेशन. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. नंबर टू टाइटल लिखो वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेन. इसमें लिखो द स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट शुड विल मेक यू राइट व्हाट आई मेक यू राइट द स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू. उसमें तो लिखा था चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. यहाँ पे क्या होगा द स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू The change in volume. That is right. नहीं खाली इतना लिखना. The strain corresponding to change in volume is called volume strain. Definition क्या होगा? Anybody can tell me? Definition. ऊपर dV. dV याने change in volume. V याने original volume. What must be definition? Anyone can tell me? So it is defined as the ratio of change.